गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बीके सिंह। इन दिस क्लास आई विल डिस्क्राइब अबाउट सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 9। दिस टॉपिक रिलेटेड टू मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में फर्स्ट बार ही हमको बताए थे कि जिस दिन टॉपिक मेरा स्ट्रक्चर वाला समाप्त हो जाएगा, तो चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको बताए थे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है कि कुछ पार्ट्स को आने देगा कुछ पार्ट को आने नहीं देगा, तो उस आधार पर कुछ प्रोसेस को देखना है। देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट का भी क्वेश्चन था, तो हम बोले थे कि दो तीन लेसन मैंने पार्ट टॉपिक के बाद में डील करेंगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और कुछ टाइप के और भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो डिफ्यूजन पार्टिकल के मूवमेंट, पार्टिकल का मूवमेंट किस रीजन से किस रीजन की ओर जाता है वह डिपेंड उसके कंसंट्रेशन पर करता है। मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मॉलिक्यूल्स ज्यादा रहेगा कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, तो उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो यह मूवमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक मूवमेंट का ऊपर नाम बताए डिफ्यूजन और एक मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन जो है वह फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर अगर पार्टिकल का मूवमेंट फ्रीली होता है तो इस तरह का मूवमेंट क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे और एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे मान लो घर के किसी कॉर्नर में एक अगरबत्ती को जला दिया जाए, या अगरबत्ती जलाते हैं तो उस कॉर्नर पर दूसरा स्टूडेंट चाहे कोई व्यक्ति बैठा वहां बैठा अलग अलग एरिया में जो बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे उस अगरबत्ती का सेंट सब किसी के पास पहुंचने लगता है। क्यों गया ऐसा, क्यों हुआ, इस टॉपिक को केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है, डिफ्यूजन है। तो जहां पर यह अगरबत्ती जल रहा है यहां पर इसका कंसेंट्रेशन क्या हाई है, अब उस कॉर्नर पर कंसेंट्रेशन क्या है, लो है। अब यहां हाई कंसेंट्रेशन है तो मिक्सअप होते जाता है एयर में, तो हाई कंसेंट्रेशन से कहां जा रहा है, लोअर कंसेंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट जो बता रहे हैं हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करना, यही मूवमेंट डिफ्यूजन है। तो गैसियस मूवमेंट भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जहां ज्यादा हो वहां से कम की ओर मूव करना, इसलिए इसका डिफ्यूजन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन का नहीं ये लिख दिए हैं, बोले ना लिख देंगे, डिफ्यूजन बताएंगे कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, जहां कंसेंट्रेशन हाई हो, रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इज कंसेंट्रेशन लो, उस रीजन में जहां इसका कंसेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है, उसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यह प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाटर ज्यादा होता है उसको वाटर का हाई कंसेंट्रेशन कहलाता है, वाटर हाई कंसेंट्रेशन है ना, सॉल्यूशन हो जाएगा ये डाइल्यूट, जहां पानी ज्यादा होता है उसको डाइल्यूट कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कंसेंट्रेशन, डाइल्यूट कंसेंट्रेटेड इस तरह के होते हैं। तो जहां अमाउंट वाटर का ज्यादा उसको डाइल्यूट कहते हैं, और जहां वाटर कम रहता है उसको कंसेंट्रेटेड कहते हैं। तो जैसे जब इसमें सेमी परमिएबल स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, जब किसी सेल को जब रखेंगे किसी ऐसे सॉल्यूशन में, जब सॉल्यूशन रखेंगे तो सॉल्यूशन का मीडियम और सेल का मीडियम उसके मेम्ब्रेन से अलग हो जाए, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो सॉल्यूशन को अलग करना होगा, दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब अलग किया जाता है तो डिपेंड करता है कि किधर वाटर ज्यादा है किधर कम है। तो जहां वाटर ज्यादा होगा कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उधर से वाटर उस मेम्ब्रेन से रिश्ते कहां चला जाएगा, जहां पर वाटर कम है वहां पर, है ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर मूवमेंट होने लगता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम ऑस्मोसिस कहते हैं। इसलिए बोले हैं कि द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई वाटर कंसेंट्रेशन से वाटर का मूवमेंट टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन, जहां पर वाटर का कंसेंट्रेशन लो होता है
वहां मूवमेंट होने लगता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। इसी ऑस्मोसिस को ध्यान में रखते हुए तीन टॉपिक आता है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करने संबंधित। एक का नाम होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक का नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक का नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस मीडियम में रखेंगे, क्या है मीडियम समझ लो, सेल को रखते हैं तो क्या उसका रिजल्ट होता है उसी को हमको समझना है। यहां पर देखिए, जैसे मान लो ये एक बीकर है, इस बीकर में वाटर रखा हुआ है, इसके भीतर कोई सेल इमर्ज है, तो सेल के भीतर उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स होगा, ई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर सेल के बाहर वाटर ज्यादा अमाउंट में है और सेल के भीतर क्या होता है, कम अमाउंट में होता है, तो सेल के बाहर अगर वाटर का कंसेंट्रेशन हाई हो तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वहीं लिखे हैं देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, सेल के चारों तरफ घिरने वाला मीडियम है जे हायर वाटर कंसेंट्रेशन, माने इधर वाटर का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, देन द सेल, सेल की तुलना में यहां वाटर कंसेंट्रेशन हाई होगा, देन द सेल विल गेन वाटर, तो सेल क्या करेगा, बाहर से पानी भीतर ले लेगा, भीतर से भी जाता है बाहर ले आने का रेट हाई होता है, इसलिए पानी भीतर एंट्री लेगा, गेन करता है वाटर को, किस प्रोसेस के माध्यम से, तो ऑस्मोसिस की सेमी परमियबल मेम्ब्रेन है, इसी क्रॉस कर जाना है, तो प्रोसेस को क्या कहते हो, ऑस्मोसिस कहते हो भाई, ऑस्मोसिस। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो क्या होगा, तो वाटर बाहर से कहां आ रहा है, भीतर आ रहा है, इसका नतीजा होगा सेल फूल जाएगा, है ना, स्वेलअप, स्वेलिंग हो जाएगा सेल में, तो सेल क्या होता है, फूलने लगता है। कॉमन भी एग्जाम्पल है, किशमिश को फूलने के लिए रात में अगर पानी में छोड़ दिया जाए, पहले देखो बिना फूले हुए किशमिश कैसा होता है, आज जब फूला दिए तो कितना सब स्वेल कर देते हैं, तो स्वेलिंग होने का मतलब जरूर बाहर से वाटर भीतर एंट्री ले लिया, नहीं, तो इस तरह के तो बाहर वाले मीडियम में पानी जहां ज्यादा होता है और कम क्यों आने लगता है, तो इसको क्या बोलते हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेल रखते हैं तो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। उसी तरह से यहां पर क्या लिखे, आप इसके डिफिनेशन इस तरह से नहीं लिखे हैं, इसी आधार पर समझा देते हैं, आप लोग अपने चीज को लिख सकते हैं। कहते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, बोलिए हाइपरटोनिक इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल है हाइयर के बदले क्या जोड़ देंगे, लोअर, सेल है लोअर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, और सेल को जिस मीडियम में रखते हैं तो सेल में ही वाटर ज्यादा हो और बाहर का वाटर क्या हो, कंसेंट्रेशन कम हो, तो कहता है तो उस सॉल्यूशन क्या कहोगे तुम, तो उसको बोलोगे इसमें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं तो हाइपो में बाहर से पानी आया था, हाइपर में भीतर से पानी बाहर जाने लगेगा, तो सेल से पानी जब बाहर जाने लगेगा इसके मतलब सेल क्या हो गया, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, सेल श्रिंक कर जाता है। एक सिकुड़ने का एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, कॉमन देखते हैं सब कुछ, ध्यान नहीं देते हैं, जैसे मान ले अचार जो बनाया जाता है घर में, आम जो नया नया काट के बनाया जाता है, तो आम जो नया काटा जाता है कितना चिकना चिकना रहता है, फूला फूला उसका टुकड़ा, अब उसमें क्या करते हैं, नमक मिला देते हैं ऊपर से, नहीं नमक मिला देते हैं, नमक वमक मिला करके काट कर छत पर रख देते हैं सूखने के लिए, दो दिन चार दिन सुखाओ, देखो कितना सिकुड़ जाता है सब, जिस तरह से पहले चिकना था नहीं था, और पानी छोड़ने लगता है बाहर, तो लोग कहते हैं कि नमक पानी छोड़ दिया, नमक कहां से पानी छोड़ेगा, नमक तो पानी खींच लिया, वहीं कंसेंट्रेशन है, देखिए सेल के भीतर आम का जो टुकड़ा था उसके भीतर पानी ज्यादा था, बाहर नमक था पानी कम है, अब क्या होगा कि पानी भीतर से क्या होता है, बाहर जाने लगता है, तो पानी भीतर से बाहर जाने लगेगा, नतीजा होगा कि सेल क्या होगा, वहां पर सेल श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो जिस जैसे ही सेल श्रिंक, या तुमको नहीं मालूम कौन सोल्यूशन है, सेल को रखने पर कुछ देर के बाद जब सेल सिकुड़ने लगे तो समझ जाना कि जरूर कौन सी है, वह हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखनी है, ठीक है। तो बाहर अगर पानी ज्यादा हो तो हाइपोटोनिक, बाहर अगर पानी कम हो तो क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक, तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, फूल जाएगा, और हाइपरटोनिक में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अब तो डिफिनेशन बन जाएगा इसी आधार पर,
क्लियर। अब देखो उसी तरह से आइसो, आइसो का मतलब होता है इक्वल। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज एग्जैक्टली सेम इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, सेल के भीतर और सेल के बाहर दोनों तरफ वाटर का कंसेंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, तब जितने अमाउंट में पानी इंट्री लेगा उतने अमाउंट में वाटर फिर क्या जाएगा, बाहर जाएगा, है ना। जितने अमाउंट में पानी कम इन होगा उतना ही गोइंग आउट भी होगा, तो इक्वल अमाउंट में आएगा, इक्वल अमाउंट जाएगा, इसका नतीजा होगा कि सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस तरह के सोल्यूशन क्या कहते हो, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल है एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, देन सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इन ऑन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। एंड इफ ए सेल इज केप्ट अंडर द आइसोटोनिक सोल्यूशन देन देयर इज नो एनी चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सेल, तो उसके अपीयरेंस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो ही इस तरह का क्या होता है, सोल्यूशन का टाइप होता है। अब जिसने पहले शुरू किए थे उस दिन बताए थे कि अब इस मेम्ब्रेन जो परमिएबल होता है तो बाहर से एंट्री भी ले लेता है। आप अमीबा क्या बताए थे कि अमीबा फाइगोसाइटोसिस से सब्सटेंस को गेन करता है, नहीं वो अपने फूड मटेरियल को ले लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से, तो प्रोसेस को फाइगोसाइटोसिस। एक और चीज थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि जब सेल को, जब सेल कुछ ऐसे एडवर्स कंडीशन हो जाता है, ये प्लांट सेल के बारे में बताए थे कि वाटर जो लॉस होने लगता है सेल के भीतर से, तो उसके भीतर के कंटेंट्स सेल वाल को छोड़ करके भीतर सिकुड़ने लगता है, उस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जानते हैं। बताए याद कर लिए प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बताए थे कि प्लाज्मा का सेल वाल से सिकुड़ कर भीतर सेंटर की ओर आना प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। यही आपके बारे में पूरा सेल के बारे में जानना है। सेल पूरा एडवांस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डेवलप होता है, उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल का नाम भी सुनिए, दो प्रकार का सेल बनाया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव पहले वाला सेल जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं होता है ना, उसको न्यूक्लियोइड्स के नाम से भी जानते हैं, उस एरिया को न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही डेवलप नहीं होता है तो न्यूक्लियोइड्स होता है, तो वह हो गया कौन, प्रिमिटिव सेल, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो वो क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। तो इस तरह से आपका फंडामेंटल यूनिट लाइफ में सेल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, उसके ऑर्गेनेल्स के फंक्शन हो गए, उसमें जो कुछ डिफिनेशन वाले कुछ टर्म है उसकी चर्चा हम कर दिए, है ना। और इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो होता है यार फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द सेल समाप्त होता है। अगर इसमें किस तरह का प्रॉब्लम आपको होगा क्रिएट करेंगे और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत होगा 9931978803 पर। थैंक्स।